गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 21 ऑफ योर यूनिट 7, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका ग्रुप 16 फुली कंप्लीट कर लिया है, तो आज के लेक्चर से हम आपका स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। हम आपके ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अगर ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात की जाए, तो इन 1811 सिज वेगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने नेम्ड ग्रुप 17 एलिमेंट्स एज हेलोजल्स। ठीक है बेटा, आपके सिज वेगर 1811 में सिज वेगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या नाम दिया, हेलोजन नाम्स दिया। ठीक है, तो हम इसको हेलोजन नाम से या हेलोजन फैमिली से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ये हेलोजन वर्ड आया कहां से, तो बेटा हेलोजन वर्ड आपके एक ग्रीक वर्ड है, जो कि आपका किससे बना है, हेलोज, जिसका मतलब होता है सी सॉल्ट, एंड जेनेसिस मींस फॉर्मिंग। ठीक है बेटा, तो आपके हेलोजन जो है इन दो वर्ड से मिलके बना है। आपके हेलोजन जो है जनरली आपके सी के अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है उनके मेन कंस्टिट्यूएंट माने गए हैं। ठीक है, ज्यादातर जो सी में सॉल्ट है वो आपके इन हेलोजन या हम कहें ग्रुप 17 एलिमेंट के ही ग्रुप 17 एलिमेंट से ही बने होते हैं। इसीलिए हमने ग्रीक वर्ड के दो वर्ड्स को हेलोज एंड जेनेसिस को कंबाइन करके आपके सिज वेगर नाम के साइंटिस्ट ने इस ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या नाम दिया, हेलोजन्स। एंड हेलोजन्स मींस क्या होता है, आपका सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को हम हेलोजन्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके इस ग्रुप 17 में कौन कौन से आपके मेंबर है या कौन कौन से इस फैमिली के एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपका यहां आता है फ्लोरीन, जिसका सिंबल आपका F होता है। नेक्स्ट इज योर क्लोरीन, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय Cl। नेक्स्ट इज योर ब्रोमीन, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय Br। नेक्स्ट इज आयोडीन, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय I। एंड नेक्स्ट इज एस्टाटीन, जिसको हम डिनोट करते हैं AT। तो बेटा अगर हम बात करें, अभी तक आप हेलोजन फैमिली में आपने जर्नल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल की, तो वहां पे आपने हेलोजन फैमिली ज्यादातर आप यही एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपने बहुत कम एसिटीन नाम के एलिमेंट के बारे में सुना होगा। क्यों? क्योंकि एसिटीन जो है बेटा एक ग्रीक वर्ड है, और उस ग्रीक वर्ड एसिटीन जो है उसका मतलब होता है अनस्टेबल। सो दिस एलिमेंट, दिस हेलोजन फैमिली मेंबर इज हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसके वजह अनस्टेबल होने के वजह से इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है केमिस्ट्री में। ठीक है, ये बहुत लिमिटेड आपकी रिएक्टिविटी शो करता है, साथ के साथ आपके अर्थ क्रस्ट में बहुत ट्रेसेस अमाउंट में मिलता है, इसलिए हम इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, इसके बारे में इतनी ज्यादा केमिस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पे हम आपके अबंडेंस की, सॉरी अबंडेंस से पहले एक दो चीज और देख लेते हैं, दैट इज सबसे पहले चीज कि ये जो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट है दे आर नॉन मेटल, ये सारे ही आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपके ग्रुप 16 में एंड इससे पहले ग्रुप 15 में क्या पढ़ा था, ग्रुप 16 में जैसे आप पोलोनियम आता है, क्या है वो, मेटल है। ग्रुप 15 में आपका क्या है, बिस्मिथ,
विद वो मेटल है, बट ऐसा यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। ग्रुप 17 जो है आपके सारे ही क्या है, नॉन मेटल है। और आपको पता है नॉन मेटल क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स में आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, ठीक है। इसीलिए ये सारे नॉन मेटल होते हैं बजाय के मेटल, ये मेटल नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कभी प्रेफर नहीं करते, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जैसे तैसे उन्हें जैसे भी मिले एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉन मेटल, जैसे कि आपके ग्रुप 16 15 में आपके मेटल्स भी थे, यहां पे कोई भी मेटल नहीं है। हां ये जरूर है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से लिटिल बिट आपका डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो सकता है। लार्जर साइज में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट प्रिसाइजली ये सारे ही नॉन मेटल हैं, इनमें कोई भी मेटल नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन इज ऑल्सो नोन एज सुपर हेलोजन, इसको हम सुपर हेलोजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुपर हेलोजन, क्योंकि बेटा अगर हम आपके पीरियोडिक टेबल की बात करें, 118 एलिमेंट्स नोन है, नोन एलिमेंट 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पूरे 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है वो है आपका फ्लोरीन, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में भी। और अगर हम बात यहाँ हेलोजन्स की कर रहे हैं, तो पूरे हेलोजन्स में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन है, फ्लोरीन है। तो इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हाई रिएक्टिविटी के कारण इसको हम सुपर हेलोजन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके ऑग्रेस की, कि आपकी ये जो हेलोजन्स हैं ये आपको किस तरीके से, किस फॉर्म में और कहां कहां पाए जाते हैं, अगर इनकी बात करें, तो पहले चलो ऑग्रेस से पहले हम अवेयरनेस देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एबेंडेंस की बात करें, तो सबसे पहले आपके जो फ्लोरीन है, सॉरी जो आपकी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, या हम कहें जो आपकी हेलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, ये सभी कभी भी आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये प्रेफर करते हैं कि जल्दी से किसी के साथ, किसी अदर एटम के साथ कंबाइन होके या किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने का प्रेफर करते हैं। तो दे ऑलवेज दे Never found in free form always prefer to be in combined form, ये हमेशा prefer करते हैं combined form में रहना। दूसरी बात अगर यहां हम देखें, तो आपके ये कहां आपको मिलते हैं, तो जनरली आपके जो क्या बोलते हैं, आपके हेलोजन्स होते हैं बेटा, जनरली आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। दे जनरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ज्यादातर ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं आपको, एयर में या एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा नहीं पाई जाती इतनी ज्यादा, ठीक है। तो जनरली आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, किस फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे आपको सी सॉल्ट में मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आपकी सॉल्ट लेक जो होती है उनमें मिलते हैं, प्लांट्स में भी मिलते हैं आपके ये, एंड एनिमल्स में भी आपके ये, ठीक है, मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी एबेंडेंस की।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रैंकिंग अगर देखें कि पूरे एलिमेंट्स में से जो आपके 118 एलिमेंट है उनमें से इनकी अबेंडेंस की रैंकिंग क्या है, ठीक है, तो आपके फ्लोरीन जो है आपका 13th रैंक पे प्रेजेंट है, यानी कि अमोंग 100 एलिमेंट जो आपका फ्लोरीन स्टैंड एट द 13th पोजिशन, ठीक है, इन अबेंडेंस। अबेंडेंस अगर देखी जाए तो वहां पे आपका 13th रैंक किसके आती है, फ्लोरीन की। क्लोरीन की अगर बात करें तो इसकी आपकी क्या होती है, 20th रैंक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे 20th मोस्ट अबेंडेंट है ये आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रोमीन की तो ब्रोमीन आपका बेटा होता है 47th मोस्ट अबेंडेंट अमॉन्ग 118 एलिमेंट, ठीक है, 118 एलिमेंट में से 47th जो है किसकी रैंक आती है, ब्रोमीन की। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आपका क्या है, 67th रैंक पे आता है, ठीक है, आयोडीन जो है आपका 67th रैंक पे आता है, ठीक है। और एसिटाइन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एसिटाइन जो है आपका ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करके चलेंगे, इसकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नोन नहीं है आपकी, ठीक है। तो इन चारों में अगर हम यहाँ देखें तो जैसे जैसे आप डाउन मूव कर रहे हो, डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे हो, तो अबेंडेंस आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अबेंडेंस डिक्रीज हो रही है। और इवन अगर आप हर एक ग्रुप में बात करो, ठीक है, हर एक पीरियड की बात करो कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जनरली हर ग्रुप के सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही मोस्ट एबिडेंट होते हैं। जैसे ग्रुप 16 में हमने आपका ऑक्सीजन सल्फर देखा था, ठीक है, उससे पहले नाइट्रोजन फॉस्फोरस देखा था, मोस्ट एबिडेंट होता है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो, आपकी जो अबेंडेंस है वो इन एलिमेंट्स की कम होती जाती है, ये एलिमेंट्स एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इनकी अबेंडेंस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ये कहानी हर ग्रुप के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनकी ऑक्रेंस की बात करें कि आपको बेटा ये जो एलिमेंट्स है किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, हमने ये तो देख लिया कि आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं और कितने कितनी रैंकिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये आपके किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्रेंस की अगर बात करें तो जो आपका फ्लोरीन है वो आपका दो फॉर्म में पाया जाता है। पहला आप सोचो कौन सा, हमने बेटा आपके ग्रुप 15 में क्या पढ़ा था, फ्लोरीन की हमने एक आपका कंपाउंड पढ़ा था, या हम कहेंगे एक फैमिली पढ़ी थी जिसका नाम था आपका एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, देखो क्या था आपका, बताओ, Ca9PO4 6 इंटू यहां पे आपका क्या था, Ca F2, ठीक है, यहां हमने X लिखा था, यहां पे हमने X2 लिखा था, जहां पे आपका X कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, तो अगर यहां पे फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरीन होगा तो क्लोरोएपेटाइट, ठीक है। तो आपका जो फ्लोरीन है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला एपेटाइट फैमिली का एक अच्छा खासा ये मेंबर है, ठीक है, तो ये आपका है F2 फ्लोरोएपेटाइट, ठीक है। और नेक्स्ट आपके फ्लोरीन जो है दूसरे फॉर्म में कैसे एक्सिस्ट करता है, क्रायोलाइट के फॉर्म में, क्रायोलाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रायोलाइट्स आपके क्या होते हैं, क्या जनरल फॉर्मूला होता है, Na2AlF6, ठीक है, ये आपके क्रायोलाइट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका फ्लोरीन एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। तो फ्लोरीन जो है अर्थ क्रस्ट में जनरली दो फॉर्म में पाया जाता है, पहला एपेटाइट फैमिली में पाया जाता है और दूसरा क्रायोलाइट्स के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपका फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन आपके एनिमल टीथ एंड
बोन में भी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अभी हमने आपका पढ़ा था फ्लोरीन आपका कहाँ मिलता है, सी सॉल्ट्स में भी मिलता है। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में मिल सकता है आपका फ्लोरीन जो है आपका, जैसे अभी हमने फ्लोराइड के सॉल्ट्स पढ़े थे, ठीक है, नेक्स्ट हम आपके इनके कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो फ्लोरीन आपका सी सॉल्ट्स ओशंस में भी मिल सकता है, ठीक है। और हम बात करें सॉल्ट लेक में भी पाया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपके नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, ये तो हो गई हमारे फ्लोरीन की, नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट की बात करें दैट इज क्लोरीन। तो बेटा जो क्लोरीन होता है आपका, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जनरली इन वाटर सोर्सेस, पानी के जो सोर्सेस होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। आप पढ़ते भी हो कि आपको सी में मिलता है, ठीक है, लाइक आपको ओशंस में मिलता है, लेक्स में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा जो क्लोरीन है आपका किस फॉर्म में मिलता है, ये सी ओशन और लेक्स में, किस फॉर्म में, जैसे आपका NaCl सोडियम क्लोराइड पड़ा है ना, कॉमन सॉल्ट आपको सी से मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2, ठीक है, इस टाइप के सॉल्ट जो है आपको क्लोरीन के वाटर में आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो क्लोरीन जो है अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होता है, कार्नेलाइट्स के फॉर्म में, कार्नेलाइट्स, ठीक है। और कार्नेलाइट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, KCl MgCl2 एंड 6H2O, ठीक है बेटा। तो आपका क्लोरीन अर्थ क्रस्ट में कार्नेलाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि जनरल उनका फॉर्मूला ये होता है। साथ के साथ क्लोरीन आपके सभी वाटर सोर्सेज में आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट क्लोरीन के बाद अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है आपका, ब्रोमीन भी बेटा आपका जनरली आपके वाटर सोर्सेज में ही मिलता है। किस फॉर्म में, जैसे आपका NaBr हो गया, आपका KBr हो गया, आपका MgBr2 हो गया, ठीक है बेटा। तो इस फॉर्म में आपका ब्रोमीन भी मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके आयोडीन की, तो यहां लिख लेते हैं हम, यहां लिख लेते हैं, तो आयोडीन की अगर बात करें बेटा, आयोडीन तो जैसे आपके बाकी आपके फ्लोरीन था, यहां पे फ्लोरीन, नेक्स्ट आपका क्लोरीन था, ठीक है। तो जैसे फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे आपके इस फॉर्म में, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, इस फॉर्म में पाया जाता है। बट यहां पे आपका आयोडीन इस फॉर्म में कभी भी पाया नहीं जाता। आयोडीन जो है बाकी सारे आपके एक्स नेगेटिव के फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, बट आयोडीन जो है बेटा आपका ज्यादातर आपका आयोडेट आयन के फॉर्म में मिलता है। आयोडेट आयन के फॉर्म में मिलता है। आयोडेट आपके आयन क्या होते हैं, IO3-, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaIO3 जिसको हम बोलते हैं आपका सोडियम आयोडेट, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको आयोडेट आयन के फॉर्म में आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके जो सी प्लांट्स हैं, या हम कहें वाटर प्लांट्स हैं, जैसे आपके जो सी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, वाटर वीड्स होती है, उनमें भी आपका आयोडीन पाया जाता है। साथ के साथ आपका एनिमल्स में भी आयोडीन आसानी से आपको मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई बेटा आपकी जनरल इंट्रोडक्शन की ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम हेलोजन कहते हैं। और उसके बाद हमने आपकी बात की कि ग्रुप 17 एलिमेंट जो है सारे ही आपके कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके
जो ग्रुप 17 एलिमेंट है आपके फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी से, उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह, उनकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बनाने के लिए। तो इस इजीली जहां तहां भी उनको मौका मिलता है वो इजीली कंबाइंड होके अपने कंबाइंड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए और नेक्स्ट हमने आपकी क्या बात की कि जितने भी आपके हेलोजन्स हैं ज्यादातर आपके सी में जो सॉल्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसका नाम हेलोजन्स पड़ा। हेलोजन जो है हेलोज और जेनेसिस वर्ड से बना है, हेलोज मीन्स सॉल्ट, सी सॉल्ट, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मिंग। तो ये तो बात हो गई आपकी इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो हम जर्नली हमने इससे पहले आपके 16th और 15th ग्रुप में पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनिक रेडियस, तो उनके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।